नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वर्क लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज आरआरबी एनटीपीसी का चल रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ बैक टू बैक आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि एग्जाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होता है। वैसे तो मैं मॉर्निंग में इसका ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया हूँ, अप्रैल का जो है सेकंड वीक का, और ये है जो अप्रैल का थर्ड वीक का है। अप्रैल का थर्ड वीक तक हम लोग कवर कर चुकेगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो नए स्टूडेंट इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनको बता दूं कि इस चैनल पर कंटिन्यू क्लासेस देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का अपलोड हो रहा है दोस्तों। साथ ही साथ ग्रुप डी का भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पे जितने भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सभी पर कनेक्ट हो सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अप्रैल का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स को क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। हाल ही में क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास का घोषणा किया है, वह किस देश से संबंधित है? दोस्तों, क्रिकेटर एलेक्स हेल्स जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किए हैं, वो किस देश से संबंधित है? दोस्तों, वो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने विश्व कप की प्रारंभिक 15 सदस्य में शामिल होने के बावजूद निजी कारणों से अचानक संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है, और वो दोस्तों इंग्लैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुहान करता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, उनका नाम है जसदीप सरकार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसदीप सरकार। हाल ही में जयदीप सरकार दोस्तों, हाल ही में जयदीप सरकार ने भारत सरकार की ओर से दक्षिण अफ्रीका में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग व्यू लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे वर्ष 2018 के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ था 2018 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में दोस्तों भारत का स्थान जो मिला है वो मिला है 140वां, जो कि ऑप्शन ए में गिवेन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट विदआउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा 18 अप्रैल 2019 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाल ही में कौन रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है? ध्यान दीजिएगा, रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गगनदीप कंग, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय मूल की वैज्ञानिक गगनदीप कंग रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाल ही में टाइम मैगजीन ने साल 2019 के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया है, इसमें कितने भारतीयों को जगह मिला है दोस्तों? इस क्वेश्चन को भी आप लोग व्यू लगा लीजिए, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 भारतीयों को जगह मिला है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने साल 2019 के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया है दोस्तों। इस सूची में शीर्ष नेताओं, कलाकार, दिग्गज और आइकॉन शामिल हैं, जिसमें टाइम मैगजीन में दुनिया भर में 100 प्रभावशाली की सूची किया गया है, जारी किया गया, जिसमें
ओनली 3 भारतीय को जो है इसमें जगह मिला है। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते की मंजूरी दिया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दिया है? वो दिया है दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क के साथ में हाल ही में मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा व विशेष ध्यान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा डेनमार्क के ऊर्जा उपयोग व जलवायु मंत्रालय के बीच रणनीति सहयोग के समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आरबीआई ने हाल ही में 16 अप्रैल 2019 को कितने रुपए का नोट जारी करने का घोषणा किया है? दोस्तों आरबीआई ने 16 अप्रैल 2019 को एक नए नोट जारी करने का घोषणा किया है दोस्तों। उस नोट का कौन सा नोट है? वो नोट है दोस्तों 50 रुपया का। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 50 रुपये का वैसे करंट में नया नोट एक चल रहा है दोस्तों, फिर भी एक और नए नोट के जो है जारी करने का घोषणा किया गया है, जिसमें जो है मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 16 अप्रैल 2019 को कहा है कि वह 50 रुपये मूल्य के नए नोट को चलाएगा। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के अनुसार पूर्व में जारी किए गए 50 रुपये के सभी नोट करंट में चल रहे हैं दोस्तों, वो चलते रहेंगे। इस और नए नोट पर जो है गवर्नर शक्तिकांत दास के जो है हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे। वैसे वो जो अभी करंट में चल रहे हैं उसमें उर्जित पटेल का हस्ताक्षर है दोस्तों, और उसमें जो है शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे नए नोट में। एट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाल ही में सब सोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम निर्भय है दोस्तों, निर्भय का सफल परीक्षण किया गया, जो दोस्तों उसका रेंज क्या है, कितना किलोमीटर तक मारक क्षमता है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में विकसित लंबी दूरी तक मार करने वाले सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का 15 अप्रैल 2019 को चांदीपुर उड़ीसा स्थित परीक्षण स्थल से सफल परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता है दोस्तों 1000 किलोमीटर तक जो है मार कर सकती है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाल ही में जारी यूएन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 तक भारत की जनसंख्या हो गई है। दोस्तों एक यूएन का ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 तक भारत की जनसंख्या हो गई है, कितना हो गई है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.36 अरब। ध्यान दीजिएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 से साल 2019 के बीच भारत की जनसंख्या 1.2 की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 1.36 अरब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं, टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, हाल ही में कैलिफोर्निया में, ध्यान दीजिएगा हाल ही में कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े विमान ने पहली बार उड़ान भरी है, जिसका नाम क्या है? हाल ही में कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े विमान ने पहली बार उड़ान भरी है, जिसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रेटो लॉन्च। ध्यान दीजिएगा एस्ट्रेटो लॉन्च दोस्तों कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े विमान जिसका नाम है एस्ट्रेटो लॉन्च ने जो है उड़ान भरी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इलेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, यूएई ने हाल ही में किस देश को अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर चुना है? ध्यान दीजिएगा यूएई ने हाल ही में किस देश को अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना है? उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यूएई ने भारत को अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना है। हम लोग दोस्तों अप्रैल का
थर्ड वीक तक क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीका से देखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। और जो नए स्टूडेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, आरआरबी एनटीपीसी साथ ही साथ ग्रुप डी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी इस चैनल पर जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं उसका पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।